अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकात। मैं उलामा ताला हसन। नाज़रीन, आज बात करने जा रहे हैं कि ऑडियो जो लीक हुई उसके अंदर कौन से एक अहम इशू जो अवामी था उसको छेड़ा गया। दूसरे नंबर पर जुमेरात के दिन अब कौन सा खड़ाक होने वाला है। तीसरे नंबर पर बात करेंगे कि साग डार को पाकिस्तान क्यों लाया गया। और जनाब चौथी बात करेंगे कि अब क्रेडिट कार्ड रखने वाले भी होशियार हो जाए, उनके लिए एक बहुत बुरी खबर आने वाली है। और जनाब सेहत कार्ड क्यों बंद किया गया, इस पर नाज़रीन आज हम बात करने जा रहे हैं आपके साथ कि इसहाक डार जो पाकिस्तान से गए थे इन पर केसेस थे मनी लॉन्ड्रिंग के, क्योंकि ये बहुत तजर्बाकार आदमी थे। और इसहाक डार वज़ीर आज़म के त्यारे पर गए और वज़ीर आज़म के त्यारे पर वापस आए हैं। नाज़रीन आपको बताते चले जाए, ये अकाउंटेंट है, ये कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इनके साथ जो सबका भी इन्होंने जो हेर फेर किए हैं वो ऐसे ही डॉलर के साथ ये खेलते रहते हैं, कोई मईशत पर असर नहीं पड़ने वाला। अवाम खाम खा ये अपनी खुश फहमी के अंदर मुबतला है। अब तो सिर्फ अल्लाह से दुआ करें। और ये साग डार सिर्फ इसलिए आए हैं सिर्फ देखने के लिए कि इसहाक डार को कितनी इस पाकिस्तान के अंदर राहत मिलती है, और उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान के अंदर आने की राह हमवार हो रही है। तो नाज़रीन ये तो होगी बात, लेकिन हम यहाँ पर एक बात ज़रूर करेंगे। नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर हम पहले भी बता रहे हैं कि उमरा के लिए कानून अलग है, गरीब के लिए कानून अलग है। अगर यही कोई आम आदमी होता तो मैं समझता हूँ एयरपोर्ट से उतरते सारी उसकी स्त्री छतरौल होनी थी और उसको सीधा जनाब ऐसे मार मार कर ले जाया जाता। लेकिन चूंकि ये सागदार साहब थे जनाब, ये एक वीआईपी मेहमान थे, इनके लिए कानून सब कुछ रस्ते क्लियर, क्योंकि ये तो पाकिस्तानी शहरी जो है उस पर तेरा भी पैठ भी लग जाए तो मारे कोई थाने कोई जनाब छोड़ता ही नहीं है। ऐसे इंक्वायरी क्यों कि हम इन लम्हा से गुजर चुके हैं, आम आदमी का तो जीना ये दोबर कर देते हैं। तो लेकिन इन वीआईपी के लिए जनाब सियासतदानों के लिए, चाहे इमरान खान हो चाहे मियां नवाशी साहब हो चाहे परवेज़ अलाई साहब हो, मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ, इनके लिए एक अलहदा अदालतें हैं, अलहदा कानून है, अलहदा सेपरेट सब कुछ है। बहरहाल नाज़रीन ऑडियो लीक जो हुई उसके अंदर एक खौफनाक जो मरियम नवाज साहबा ने जो मियां शहबाज शरीफ को कहा कि आप एक ही तो इमरान खान की चीज़ है जो ऊपर ले जाई जा रही है वो है सेहत कार्ड, उसको बंद कर दिया जाए। लिहाजा शहबाज शरीफ का जी हम फंड का बहाना करके इसको बंद कर देते हैं, लिहाजा इसको बंद भी कर दिया गया। तो नाज़रीन देखिए ये खुद तो इलाज जाके बैरून ममालक कराते हैं, ये सेहत कार्ड जो इमरान खान ने दिया था, देखिए जिसकी तारीफ है वो करनी चाहिए, उसका ये दाम अवाम के लिए बहुत अच्छा था। मेरे समसाए के अंदर भी नाज़रीन एक गरीब उसकी बच्ची का मसला बना, अस्पताल में गए एक रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ा, हालांकि वो बेचारा मकरूज था, गरीब आदमी, वो दुआएं दे रहा था। तो ये अवाम की सहूलत के लिए इनको बिल्कुल चीज़ पसंद नहीं, ये कहते अवाम तरसती रहे मरती रहे, ये बिल बिजली के लाइनों में लगती रहे, ये ट्वेंटी स्टोर पर आटे के रेट पूछते रहे, और बस अवाम तो उनको पता बेवकूफ़ है ये, तो फिर हमारे नारे मारेंगे ये कौन सा। यानी हमारी कौम भी ऐसी है कि एक दूसरे के साथ ऐसा लड़ती है, एहतराम का रिश्ता ही इन्होंने ख़त्म कर दिया। जैसे इनके घर के अंदर ये आटे भी यही देने आ रहे हैं, और जैसे तो तीसरे नंबर पर नाज़रीन हम बात करेंगे जो कार्ड क्रेडिट कार्ड है ना वो अब सागदार आगे हैं, उन्होंने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट जो वो बंद कर रहे हैं कि जो बैरून मुल्क जाते हैं पेमेंट निकालते हैं तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। लिहाजा अब सेहत कार्ड के साथ साथ ये क्रेडिट कार्ड को भी बंद करने जा रहे हैं ताकि कोई पैसे निकलवा ही ना सके, बाहर के मुल्क जाए ठीक है, पाकिस्तान में आए चेक के जरिए निकाले निकाले। तो ये जो ऑडियो लीक हुई नाज़रीन इसके अंदर ज़राए से जो हमें मालूम हुआ है वो ये बातें जो हो रही है कि इमरान खान जो साबिक वज़ीर आज़म थे उन्होंने जाते हुए खुफिया आलात लगा दिए थे, जिसकी वजह से ऑडियो ये मंजर आम पर आ गई। लेकिन ऑडियो के आने से
इनके तमाम करतूत कौम के सामने आ गए हैं नाज़रीन, ये भी देखते जाएं कि ये क्या क्या करते हैं। अब जुम्मे रात को वही जो हैकर है उसने ऐलान किया कि मैं जुम्मे रात को ऐसी ऑडियो वीडियो ला रहा हूँ जो सबके हैरान कुन इनकी पगड़ियाँ उछल जाएंगी और ये मुल्क में क्या कर रहे हैं कौम को पता चल जाएगा। लेकिन कौम हमारी क्या बेचारी ऐसे ही है। तो दूसरे नंबर पर हम बताने जा रहे हैं सैलाब जदगान का हल कि ये एक दिन के अंदर मसला हल हो सकता है। सैलाब जदगान के लिए मदद की ज़रूरत नहीं है कि इलेक्शन का ऐलान कर दो, देखना ये MLA MPA किस तरह बोरियाँ सर पे उठा के किस तरह ये वोटरों के पास जाएंगे। सिंध के जो वडेरे हैं वो इन गरीबों से वोट मांगने ये आटा भी लेके जाएंगे, चीनी भी लेके जाएंगे, इनके मकान भी बनाएंगे, ये बलोचिस्तान, ये जनूबी पंजाब सब ये MLA वाहदा यही है कि इलेक्शन का ऐलान कर दो। इनके पास तिजोरियाँ जो अरबों रुपये पड़े हुए हैं ये फिर निकालेंगे इलेक्शन जीतने के लिए। तो मैं समझता हूँ एक दिन के अंदर सैलाब जदगान जो मुतासर हुए हैं उनके घर भी बन जाएंगे, उन पर खुशहाली भी आ जाएगी। सैलाब जदगान की मदद का सिर्फ हल यही है कि इलेक्शन का ऐलान कर दीजिए। तो नाज़रीन ये थी आज की मालूमात। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर।